हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की रिलेटिव इन्फॉर्मेशन बराबर देने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो बजट है ओबीसी का, यहाँ पे जो है बजट जो 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रेजरी में रखा गया है। सो आप लोगों को क्या है खबर वो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे। सो आप लोगों को सबसे पहले फास्ट जॉब सर्चर एक वेबसाइट है, आप लोगों को ये वेबसाइट जो है सर्च कर लेना है गूगल पे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे, आप के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ अभी टाइम लग रहा है, आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे आप लोगों को नीचे आने के बाद यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप लोगों की जो खबर क्या है वो आप लोगों को मैं दिखा दूं। यहाँ पे जो है खबर अभी निकली हुई है। सो यहाँ पे ये खबर आप लोग देख सकते हो, ये खबर जो आई हुई है अभी हाल ही में, आप लोग ये खबर देख सकते हो। यहाँ पे 60% अंक वाले ओबीसी छात्रों को ही शुल्क की भरपाई मिलेगी। और यहाँ पे जो है ये खबर है यहाँ से निकली हुई है, लखनऊ से, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रों के शुल्क भरपाई के लिए 400 करोड़ रुपये बिल ट्रेजरी में लगा दिया है, ठीक है। और इससे पिछली कक्षा में न्यूनतम 60 अंक पाने वाले इस वर्ग के सभी पात्र छात्रों को शुल्क की भरपाई दी जाएगी। यह भुगतान उनके खातों में 2 से 3 दिन के भीतर पहुंच जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 2 अक्टूबर से 26 जनवरी को विद्यार्थियों के खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि भेजी थी और ये देख सकते हो, लेकिन आधे से ज्यादा छात्र बजट की कमी के कारण योजना का लाभ नहीं पा सके। मामला सरकार की जानकारी में लाए जाने के इस वर्ग के विद्यार्थियों के 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी तक करीब यहाँ पे 67% अंक यहाँ पाने वाले विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिला था। 400 करोड़ रुपए दे दिए जाने से न्यूनतम 60 अंक फीसदी पाने वाले सभी छात्र विद्यार्थियों को शुल्क की भरपाई हो जाएगी। ऊपर अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग महेश गुप्ता ने बताया कि राशि 2 से 3 दिनों के भीतर पात्र छात्रों के खाते में पहुँच जाएगी। सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो बजट है, आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे 400 करोड़ रुपए जो है ट्रेजरी में रखे हुए हैं, ठीक है। तो 400 करोड़ लगा दिए हैं यहाँ पे सरकार ने, वो भी ओबीसी वालों को कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे 400 करोड़ लगाए हुए हैं तो उसमें जो है 60% जिनके अंक हैं, जिनके 60% अंक से ज़्यादा हैं, तो उनकी जो है यहाँ पे शुल्क प्रतिपूर्ति आएगी, यानी कि फीस वापसी और छात्रवृत्ति वापसी दोनों आएंगी, ठीक है। छात्रवृत्ति और प्लस फीस दोनों आएंगी, ठीक है। और जिनकी 60% या 60% के ऊपर है, ठीक है, और जिनकी यहाँ पे 60% ये नीचे है, जो यहाँ पे 60% के नीचे छात्र हैं, तो उन लोगों की यहाँ पे जो है छात्रवृत्ति अभी आएगी, ठीक है, स्कॉलरशिप ही ओनली आएगी। अगर जो जिनकी छात्रों की अगर जो नहीं आई हुई है तो उनकी यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप आएगी, जो 60% के नीचे हैं, जो 60% के ऊपर हैं या 60% के, ठीक है, तो उन लोगों की जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दोनों आएंगी। और यहाँ पे जो है परसेंटेज कैसे निर्धारित होगी, परसेंटेज निर्धारित ऐसे होगी जो आपकी पिछली कक्षा में मार्क है। जैसे कि आपने जो फॉर्म भरते होगे तो आप लोग जो है पिछली कक्षा के मार्क भरते हो ऑल टोटल, ठीक है। तो ये जो लोग जो है आपकी पिछली कक्षा से परसेंटेज निर्धारित कर लेंगे, जो छात्रवृत्ति देंगे कि 60% है तो इनकी जो है शुल्क प्रतिपूर्ति की जाए, ठीक है, और छात्रवृत्ति भी दी जाए, ठीक है, और 60% के नीचे है तो उनकी सिर्फ स्कॉलरशिप आएगी, ओनली छात्रवृत्ति, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो ये जो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है ये सरकार जो है बिल पास कर रही है, ठीक है, 400 करोड़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।